अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक। तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने कज़न के साथ, उनको चिन्नीवट छोड़ना है। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाला है। मैं फ़िलहाल अभी घर से निकला हूँ, अभी खड़ा हूँ ये बुआना पुल पे। सुबह सुबह का मंजर बहुत ही खूबसूरत है, वो भी आपको दिखाते हैं। फिर चलते हैं कज़न के घर और उनको वहाँ से लेते हैं। चिन्नीवट से आगे है 40 किलोमीटर एक फैक्ट्री, वहाँ पे उनको छोड़ना है। सुबह के मनाजिर पुल के और सूरज तलू हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही सुकून है यहाँ पे। ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, कोई भी यहाँ पे रश वगैरह नहीं है ट्रैफिक का, और सूरज तलू हो रहा है, बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। टाइम वेस्ट किए बिना आप चलते हैं कज़न के घर और उसको वहाँ से उठाते हैं और फिर उनको छोड़ के आते हैं। और सुबह का टाइम है, आप लोगों को पता होगा कि अब सर्दी का मौसम आ चुका है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और काफ़ी ठंड भी लग रही है। आज हमारे साथ जाने वाले हैं सकलैन और जहन, इन दोनों को मैं छोड़ने जा रहा हूँ। चिन्नीवट को पहुँचाना है एक जगह पे, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। नहीं जी, सफ़र हमने शुरू कर लिया। हम तीनों पहुंच चुके हैं चिन्नीवट शहर में, अभी जा रहे हैं फैक्ट्री की तरफ। चिन्नीवट शहर हम पहुंच चुके हैं। तो पहुंच चुके हैं फैक्ट्री में, अंदर जाने नहीं दे रहे। ये बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, ये सारे टूटे पड़े। दोस्तों ये है वो चाइना की फैक्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये वो फैक्ट्री है, इसमें क्राकरी का सामान बनता है और 57 मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है। ये इसका स्क्रैप पड़ा है, आप देख सकते हैं कि इतनी हाई क्वालिटी की ये चीज़ें तैयार करते हैं। ये पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियां हैं ऐसा नहीं बनाती जैसा ये बना हुआ है। फाइनली कज़न को फैक्ट्री में छोड़ने के बाद अब ये वापस मुझे गेट तक पहुँचाने जा रहा है। मैं अब निकलता हूँ घर के लिए। ले जी, कज़न दोनों पहुँच चुके हैं फैक्ट्री में पहुँचा के, अब मैं निकलने लगा हूँ वापस। ये वाली इनकी फैक्ट्री है, इनको छोड़ दिया है, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह से। फाइनली दोनों कज़नों को छोड़ के मैं अब वापसी घर के लिए निकल रहा हूँ। डेढ़ सौ की हो चुकी है, मुझे घर जाते हैं, दोनों को जानी है। गाड़ी तो हमारे पास है, कोई नहीं भी गाड़ी भी आते हैं।
बाइक है, बाइक पे ही आना था, इसलिए काफी लेट हो जाएगा। लोगों को छोड़ने के बाद मैंने वापसी का सफ़र शुरू किया। अब रास्ते में रुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र था, काफ़ी थक गया हूँ, रेस्ट करने के लिए अभी इधर रुका हूँ, फिर थोड़ी देर तक चलते हैं। इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।